अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और C++ की अच्छी सी प्रैक्टिस जारी होगी। तो आज का नया टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो है कॉन्स्टेंट्स। C++ में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हर वो वैल्यू, हर वो क्वांटिटी जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो उसे कहा जाता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट दो तरह के होते हैं, एक लिटरल कॉन्स्टेंट और एक नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले हम लिटरल कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं। ये कॉन्स्टेंट वो एक्सप्लिसिट नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। सो उन्हें हम लिटरल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको लिटरल कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल ज़रा समझ आ जाए, फिर आपको समझ आएगा कि लिटरल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। सो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जी जनाब, तो आपके सामने मैंने एक स्क्रीन पे प्रोग्राम लिखा हुआ है डेव C++ के कंपाइलर में। इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसको 10 वैल्यू असाइन की हुई है। अब मैं जब भी प्रोग्राम रन करूँगी इसको ये वैल्यू 10 ही मिलेगी। इस वेरिएबल को ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसे 10 ही मेमरी में वैल्यू मिलेगी। तो इसे भी आप लिटरल कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है ये भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगा, ये भी हेलो वर्ल्ड ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो इसे भी आप लिटरल कॉन्स्टेंट कहते हैं, लेकिन इसकी टाइप है स्ट्रिंग। जब आप टेक्स्ट की बात करते हैं तो C++ की लैंग्वेज में टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहा जाता है, जिसके अंदर नंबर्स भी आ जाते हैं, कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। और जनाब, अगर आप इसको देखें, ये कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर ए। जब भी आपने सिंगल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना हो तो आप सिंगल क्वोट्स लगाएंगे। जब आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना हो तो आप इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। तो सिंगल कैरेक्टर है ये ए, तो ये सिंगल क्वोट्स, इसलिए मैंने उसके अंदर उसे लिखा हुआ है और स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आपको नंबर्स या आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना होगा तो आपको कोई इन्वर्टेड कोमास या कोई क्वोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट और कैरेक्टर के केस में ही ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कैरेक्टर के लिए हमेशा याद रखिएगा सिंगल क्वोट्स के अंदर कैरेक्टर लिखा जाएगा, और जब भी स्ट्रिंग की बात होगी, टेक्स्ट की बात होगी, तो वो सिंपल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 12.7 है, ये स्क्रीन पर एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगी। ये पॉइंट्स वाली वैल्यू, इसे भी आप लिटरल कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। इसी तरह से ये 20 भी लिटरल कॉन्स्टेंट है। यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है n। इसके अलावा जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं ये सब लिटरल कॉन्स्टेंट की एग्जांपल हैं। जनाब इसको रन करते हैं, कंपाइल कर चुके हैं हम लोग, ये देखें तो वो सारी वैल्यूज स्क्रीन पे आ गई। सबसे पहली वाली लाइन हेलो वर्ल्ड पहले स्क्रीन, क्योंकि फर्स्ट लाइन जो है ना, लाइन नंबर 5, वो तो सिर्फ मेमोरी में n क्रिएट करती है और उसके अंदर 10 प्लेस कर देती है पहली वाली लाइन। अगली लाइन हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करवाती है, उससे अगली लाइन a करवा रही है। देखें उसके साथ सिंगल क्वोट्स थे, लेकिन क्वोट्स जो हैं आउटपुट में नहीं आए, इन्वर्टेड कोमास आउटपुट में नहीं आए। मैंने स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में आपको बताया था कि अगर आप इन्वर्टेड कोमास और क्वोट्स लाना चाहते हैं तो आप कैसे ला सकते हैं, ये उस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको दोबारा देखना है तो वो वाली वीडियो जो है आप देख सकते हैं। तो अगर आपको दोबारा वो क्लियर करना है कॉन्सेप्ट तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, 12.7 भी एज इट इज़ आ गया। n की जगह n की वैल्यू, वेरिएबल की जगह वेरिएबल की वैल्यू आती है, और ये देखें 20 भी एज इट इज़ आ गया। अब अगर मैं चाहूँ, इसको मैं करती हूँ क्लोज, अगर मैं चाहूँ कि n 10 है पहले और 3-4 लाइन्स के बाद हो जाए n 20, ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मेमोरी में n एक क्रिएट होगा वेरिएबल और उसके अंदर 10 प्लेस हो जाएगा। फिर ये लाइन होगी जिसने स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, फिर ये लाइन होगी जिसने स्क्रीन पे a प्रिंट करवाना है, फिर ये लाइन जिसने स्क्रीन पे 12.7 प्रिंट करवाना है। उसके बाद मेमोरी n की मेमोरी में जाकर 10 को मिटाकर, यानी 10 को बिल्कुल इरेज कर दिया और 20 उसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब हमारे पास n के अंदर, n की मेमोरी की लोकेशन के अंदर 20 होगा। इसे कहते हैं वेरिएबल, जो वैल्यू चेंज कर सके उसे वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने n 20 कर दिया। अब जब मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करूँगी तो n 20 आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जी इसको रन करते हैं,
तो ये देखिए आपको नज़र आया पहली आउटपुट हेलो वर्ल्ड, दूसरी ए, तीसरी 12.7, अगली जो आउटपुट है चौथी, वो देखिए एन में अब 20 आ चुके हैं तो वो 20 आउटपुट शो हो रही है, और सी आउट नेक्स्ट भी 20 था इसलिए वो 20 शो हो रहा है। तो आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा, लिटरल कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं प्रोग्राम के दौरान, जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, जैसे कैरेक्टर, ये नंबर्स, वो जो नंबर्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन में आप जितनी मर्जी दफ़ा वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेम्ड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। चलते हैं अपने वापस स्लाइड्स की तरफ। जी जनाब, तो हमने लिटरल कॉन्स्टेंट का देखा है क्या होता है, अब हम देखेंगे कि नेम्ड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो नेम्ड कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम मेमोरी में कुछ लोकेशन देते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं, उन कॉन्स्टेंट को नेम कॉन्स्टेंट कहा जाता है। जिस तरह हम वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन एलोकेट करते हैं और वैल्यू स्टोर करवाते हैं, इसी तरह इन कॉन्स्टेंट्स के लिए भी करते हैं, बट इनमें और वेरिएबल में ये डिफरेंस है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है जबकि नेम्ड कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, मैं आपको सिंटैक्स दिखाती हूँ इसका। जी तो ये सेंटेक्स है, अगर आपने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने है, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखेंगे, ये एक रिजर्व वर्ड है जो कंपाइलर को बता देता है कि इसके अंदर जो वैल्यू है उसे चेंज मत होने देना। उसके बाद डेटा टाइप जो ये बताएगी कि इस कॉन्स्टेंट में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, यहाँ इंट है इसका मतलब इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट का नेम जो भी आप रखना चाहें वो, लेकिन इसको रूल्स के मुताबिक रखना है, आप रूल्स से हटकर नहीं रख सकते। इक्वल टू का साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपने कॉन्स्टेंट को असाइन करनी आप वो लिखेंगे, और एंड पे सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। तो इस स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा वरना यहाँ एरर आ जाएगा। तो जनाब ये था इसका सिंटैक्स, जो कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में डिफरेंशिएट करता है वो जस्ट ये कीवर्ड है। अगर ये कीवर्ड आप नहीं लगाते तो वेरिएबल का सिंटैक्स है सेम, और अगर आप कीवर्ड लगा देते हैं तो ये कॉन्स्टेंट कंसीडर होगा। इसको प्रैक्टिकली डेफ पे करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये स्टेटमेंट मैंने टाइप की, मेन फंक्शन बनाया, बाकी सारी चीज़ें मैं सब पहले ही बता चुकी हूँ, हेडर फाइल्स वगैरह। तो कॉन्स्ट के कीवर्ड से हम लोगों ने कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लिया, डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी, दोनों एक ही लाइन में यानी मेमोरी में भी क्रिएट किया और वैल्यू भी असाइन की। इसको हम सी आउट करते हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। तो देखिए मैंने सी आउट कर दिया टोटल मार्क्स को, अब हम इसे स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। तो ये कंपाइल हो चुका है, अब इसे रन करते हैं और देखिए 10 इज़ द आउटपुट। तो अब बताती हूँ कि इसमें और वेरिएबल में डिफरेंस कहाँ आता है। या मैं ना एक काम करती हूँ कि टोटल मार्क्स जो है उसकी वैल्यू को चेंज करती हूँ, ठीक है। अब देखें टोटल मार्क्स मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ, कंट्रोल स्पेस करूँगी ना नीचे सजेशन में आ जाएगा टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स से कॉन्स्टेंट की वैल्यू को चेंज करने लगी हूँ। ओके, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 20। अब देखें कॉन्स्टेंट है, वैल्यू तो चेंज होनी नहीं चाहिए, सूलर का कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये देखें कंपाइल टाइम एरर आ चुका है और वो कह रहा है कि ये आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपर कॉन्स्टेंट है। अगर मैं ये कॉन्स्ट का कीवर्ड हटा दूँ तो अब ये वेरिएबल बन जाएगा सिंपल, और अब ये एरर नहीं आएगा। तो आपने देखा अब एरर नहीं आया, यानी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में सिर्फ इस कीवर्ड का डिफरेंस है। पहली चीज़ आपको जो पता चली, जब आपने किसी कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वेरिएबल है तो जितनी मर्जी दफ़ा उसकी वैल्यू को चेंज कर लें, नो इशू। और दूसरा रूल जो होता है वो ये है कि कॉन्स्टेंट को जिस लाइन में आपने डिक्लेयर किया है वहीं इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे उस सूरत में भी एरर आएगा। जी वो कह रहा है अनइनिशियलाइज्ड कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना सेम ही, एक साथ ही ज़रूरी है, यानी एक साथ ही डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना पड़ता है आपको कॉन्स्टेंट को, लेकिन वेरिएबल में ये आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही लाइन में दोनों को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करें, आप अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं लाइन ऑफ कोड में। तो हमने देखे आज कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ऐसी मेमोरी लोकेशन जिनकी वैल्यू हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज ना कर सकें उन्हें कॉन्स्टेंट कहते हैं। उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा, अगर लेक्चर समझ आ रहे हैं और मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखें कर मुझे बताएं कि आपकी कितनी लर्निंग हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।